मैं संदीप कुमार यादवपुर शासन अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज जन्मदिन किसका मनाया है, क्या बातें हैं? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, जो गरीबों शोषितों वंचितों के नेता हैं, शानदार नेता हैं, उनका जन्मदिन आज हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गरीब परिवार से हैं, जिनका वेतन नहीं आ पा रहा था, उनके बीच हम लोग फलों और राशन का वितरण करके उनका शानदार जन्मदिन मनाया गया और प्रयास किया गया कि कोई भूखा न सोने पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जितना हो सके आप लोग गरीबों की मदद करिए। तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार आम नागरिक के बीच मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जितनी भी यहाँ देखे होंगे आप, इससे पहले जितनी भी हमारी माताएँ थी, बहनें थी, सब लोग ने श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया कि 2022 में फिर से बाईसाइकिल बनेगी, साइकिल की सरकार बनेगी, जिससे सभी समाज के लोगों का उद्धार होगा। अपना पूरा प्रसन्न। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं पूर्व शासन महामंत्री काशी विद्यापीठ द्वार से। आज किस तरह जन्मदिन है, क्या उद्देश्य का? आज हम लोग अपने अखिलियत के नेता श्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, और यहाँ केक काटकर और गरीब मजदूरों के बीच फल वितरण कर और अनाज वितरण कर उन्होंने कहा था कोई भूखा न सोने पाए, इसीलिए हम लोग उनके जन्मदिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मनाए हैं, कितने लोग बांटा गया है? आज हम लोग छात्र परिवार के पूर्व शासन अध्यक्ष संदीप यादव, पूर्व शासन महामंत्री अनिल यादव और तमाम छात्र नेता यहाँ पे केक काटकर और फल बांटकर जन्मदिन मनाया। आज इनका 48वां जन्मदिन था। क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? हम लोगों से यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे हम लोग के नेता ने कहा था कि जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल चल रहा था, कोई भी ऐसा व्यक्ति, एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में भूखा न सोने पाए और भूख से कोई न मरे, उन्हीं की बातों का हम लोग अनुसरण करते हुए लोगों को अनाज और फल का वितरण किया है, और गरीब मजदूर जितने हैं उनको कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश की गई है।